गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को कमेंट्स करके सभी अपनी अटेंडेंस दें। आज हमारी जो नई एक्सरसाइज है वो यहाँ पर स्टार्ट होगी, तो उसके लिए आप रेडी रहें पेन कॉफ़ी बुक लेकर के। आज की जो एक्सरसाइज है वो दूसरी स्टार्ट हो रही है, पहली ख़त्म हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो आपको तीनों चारों वीडियो जो हैं उनके अंदर एक पहली एक्सरसाइज 1.3, 2 और 1.3 सॉल्व करवा रखी है, वो आप देख सकते हो। वो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024 गणित की, तो उसमें आप प्रत्येक पार्ट को आप देख सकते हो। और फिर अब इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 का जो सेकेंड चैप्टर है उसको देखें आप, बहुपद। ये है बहुपद पॉलीनोमियल, ये होता क्या है इसके बारे में आपको जानकारी देखनी है। एक तो होता है चर, सबसे पहले आप इनको देखें, एक होता है अचर, ठीक है, चर और अचर। चर क्या होते हैं? चर ये कह सकते हो आप ए बी सी आगे तक जेड, तो चर होते हैं जिन्हें हम एबीसीडी कह सकते हैं, और अचर होते हैं जिन्हें हम गिनती कह सकते हैं, गिनती। और ये होती है 1, 2, 3 आगे तक, ठीक है। बहुपद पढ़ने से पहले, बहुपद से पहले आपको यहां पर ये देखना है कि इसमें चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। इनको वेरिएबल बोलते हैं, इनको कॉन्स्टेंट बोलते हैं, कॉन्स्टेंट, और ये होता है वेरिएबल, ठीक है। ये आपको पहले ध्यान रखना है कि चर होते हैं जो एबीसीडी हैं और अचर है वो गिनती है। तीन चार है, तीन वर्ड है और गिनती में भी तीन, ऐसे थोड़ा ध्यान रखो आप। इसमें देखो जैसे आपको ऐसे दे दिया, अब यहां पर आपको चर देखो और अचर बताओ। ये हम ऐसे सवाल पढ़े थे हमने कक्षा 9 में, तो 9 का आपको ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो आप यहां पर इनको देख सकते हो। तो देखो इसके अंदर आपको चर है, तो चर सिर्फ देखो इधर x की घात 2 है, यहां पर x है, तो चर तो कितना हो गया, ओनली x। अचर देखो 2, 3, 4, कैसे भी लिख सकते हो इनको 2, 4 और 3, ये क्या हो गए इनके अचर। ऐसे सवाल थे हमारी कक्षा 9 में जिनमें आपको चर भी बताना था और अचर भी बताना था। तो यहां पर देखो इस तरह से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। और भी यदि हम देखना चाहें x घात 3 माइनस के 4x प्लस के 3, इस तरह का सवाल है, इसके अंदर आप कमेंट करके बताएं कितना आ रहा है चर, चर बताओ जल्दी कमेंट्स करें चर। तो यहां पर देखो चर हो जाएगा क्या x, और अचर हो जाएगा माइनस के 4 और 3। ध्यान रखें यहां पर माइनस जरूर लगाए आप, तो यहां पर माइनस के 4 है अचर और 3, ये होगा अचर। अब कुछ बहुपद के कुछ और भी हैं, जैसे एक बहुपद, द्वि बहुपद, त्रि बहुपद, ठीक है, ये आप नोट कर लें। अब देखें इसके बाद में कुछ बहुपद के जो कक्षा 9 में भी है ये सारी चीजें, लेकिन 9वीं आपको पढ़ा नहीं रहे यहाँ पर, तो आप 10वीं को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक पद का, उसके बाद में द्विपद, और फिर होता है त्रिपद, ठीक है। यहां पर देखो एक पद का मतलब है कि सिर्फ एक पद होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए चर में। ध्यान रखें यहां पर एक अचर का कोई पद नहीं माना जाता है, ठीक है। कहीं आप सोचो कि 3 है, जैसे ये लिख दिया 3, इसमें एक पद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि जितना हो सके कि चर का नाम बोले आप, ठीक है, उनको हम पद बोलते हैं, क्योंकि वो तो फिर एक अचर पद हो जाता है। जैसे 3 है तो ये आपका होगा अचर पद, एक पद का है वैसे तो खैर ये भी, लेकिन इसको बोलते हैं हम अचर पद।
एक पद है तो यहां पर एक होगा, दो पद है तो इसमें कम से कम आपको दो पद होंगे, एक दो। ध्यान रखो यहां पर घात से मतलब नहीं है, घात वाला अलग चीज होता है, पद अलग चीज होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो x प्लस चार, दो पद हो गए, इसमें तीन पद हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस के दो एक्स प्लस के तीन, एक दो तीन, पद कितने हो गए, तीन पद, एक दो तीन, तीन पद हो गए, एक दो, दो पद हो गए, इसमें एक पद है तो इसमें एक पद हो गया। क्लियर यहां तक? एक पद है तो एक ही आना चाहिए, दो पद है तो दो आना चाहिए, और तीन है तो तीन पद आना चाहिए, ठीक है यहां तक। ये सभी बहुपद हैं, इसको एक पद का बहुपद बोलते हैं, इसको द्विघात का बहुपद बोलते हैं, द्विपद का, ये त्रिपद का बहुपद है, ठीक है। अब आपको ये अचर पद है, ये इसको थोड़ा सा और बाद में लिखेंगे। ये तो होते हैं हमारे एक पद, द्विपद और त्रिपद, ठीक है। अब यहां पर एक घात का बहुपद और द्विघात का बहुपद और त्रिघात का बहुपद, ठीक है। ये कक्षा 9 में है सब, लेकिन वहां पर आपको पढ़ा नहीं पाए, तो इसके लिए देखें आप। एक घात है तो एक घात का मतलब है x, कोई भी चर मान लो, x मान लो चाहे y मान लो, इन पे घात होनी चाहिए एक। जब कोई घात नहीं होती तो क्या मानते हैं उसकी, एक घात। इसमें घात होनी चाहिए, द्विघात का मतलब दो घात, तो x की घात जैसे दो। अब इसमें पद नहीं देखने, पद चाहे एक हो सकता है, लेकिन घात कितनी है इसकी, दो, ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर, ठीक है। द्विघात है तो घात दो होनी चाहिए, पद, अब यहां पर देखो पद तो कितने हैं, दो, लेकिन घात कितनी है, एक, तो फिर ये पद आएगा आपका कौन से में, पहले वाले में, क्योंकि एक घात है, ठीक है, एक्स प्लस के चार, एक घात है एक्स की, तो इसमें आएगा एक घात का, लेकिन पद है इसमें दो, तो दो पद है तो दो पद में यहां लिखेंगे आप इसको, ठीक है। अब है त्रिघात, तो एक्स पे कितनी घात होनी चाहिए, तीन घात, चाहे पद एक हो सकता है, दोनों में एक एक पद है, लेकिन घात ध्यान रखो जिसकी चर की घात देखी जाती है हमेशा, घात के लिए आपको किसकी देखी जाएगी, चर की घात, ठीक है। अधिकतम घात देखते हैं, वो भी अधिकतम, जैसे आपको मैं बताऊं अधिकतम का मतलब, जैसे ये इस तरह होता, दे दिया। अब इसमें देखो पद, एक दो तीन चार, चार पद हो गए। अब इसको मैं देखो, यहां पर x की घात तीन है, x की घात दो है, x की घात एक है, लेकिन आपको सबसे बड़ी घात देखनी है x की, कितनी आ रही है, तीन, तो तीन घात का बहुपद हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से इनको देख सकते हैं, पद कितने हो गए, पद हो गए चार, घात हो गई तीन, इस तरह से लिख देता हूं मैं, पद चार और घात तीन। इसमें देखो घात कितनी हो गई, दो, और पद कितने हो गए, एक, भाई एक पद है, इसमें देखो घात एक है, एक पद है, घात एक है, एक पद है, लेकिन घात एक है और पद कितने आ रहे हैं, दो, भाई एक और एक दो। तो इस तरह से हम इनको घात और पदों के रूप में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक जो आपकी है एक्सरसाइज नंबर है 2.1, ये आपके सिलेबस में है, तो इसके आप एग्जाम्पल देखो सबसे पहले, ठीक है। बुक जरूर साथ में रखें, मैं एनसीईआरटी की मेन बुक से पढ़ाता हूं, ध्यान रखें आप ये, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। अब आपकी 2.1 सबसे सरल प्रश्नावली है ये, लेकिन इससे आपको एक सवाल निश्चित रूप से आएगा एक नंबर में, ठीक है। वो इस तरह से है सवाल, ये आपको दे रखा होता है एक समीकरण y बराबर एफ एक्स, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में देखो आप, y बराबर एफ एक्स, इसका जो मतलब है वो इस तरह से है बेटा, एक ग्राफ बनाए आप इस तरह से, ये आपको पता है ग्राफ में x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, कक्षा 8 में पढ़े होंगे, तो आप 9वीं में भी पढ़े हैं, इधर होता है x डैश और इधर होता है y डैश, ठीक है। इधर जीरो, इधर प्लस वाली होती है, जैसे मैं कुछ तो लिख रहा हूं,
इधर माइनस के, ऊपर भी प्लस में और नीचे माइनस में, ये चीज आपको पहले से पता होगी। अब आपको इसके अंदर जो y बराबर एफ एक्स है, इसका जो मतलब है जैसे ऐसे कोई ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि x अक्ष को ये रेखा कितनी बार काट रही है, एक दो, एक तो यहां पर काट रही है, एक यहां पर काट रही है, ठीक है। y बराबर एफ एक्स का मतलब है कि x अक्ष को, ये x अक्ष को रेखा कितनी बार स्पर्श करती है, अर्थात कितनी बार काटती है, कितनी बार प्रतिच्छेद करती है या काटती है, ठीक है। प्रतिच्छेद भी लिख सकते हो इसकी जगह आप, काटने की बजाय प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर देखो आप कितनी बार काट रही है, दो बार। तो इसके जो आपसे पूछेगा कि सुन्नक कितने होंगे, ठीक है, सुन्नक बोल सकता है, इसके हल कितने होंगे ये आपसे पूछ सकता है। इसने पूछा है px के सुन्नकों की संख्या, ये पूछा है px के सुन्नकों की संख्या, ऐसे पूछेगा आपसे। ये आपका तरीका है कि x अक्ष को जो रेखा जितनी बार काटती है वही आपके सुन्नकों की संख्या होती है। तो कितनी बार काट रही है, एक दो, कितना आ जाएगा आंसर, दो। तो दो इसके कहलाते हैं सुन्नक, क्लियर यहां तक। अब इसके एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल नंबर एक, ये तो आपको मैंने बेसिक बताया लेकिन ये आपका एक नंबर में जरूर आएगा, ठीक है। इस तरह का छोटा सा ग्राफ दिया हुआ मिलेगा, इस तरह से काटी हुई रेखा मिलेंगी और फिर आपको बताना है कि कौन सा आपका प्रतिच्छेद, वो कितने रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और सुन्नकों की संख्या कितनी होगी, जीरो, ठीक है, जीरो की संख्या कितनी होगी, तो ये आपको याद करना है। अब देखो एग्जांपल नंबर एक, बुक लेके जरूर बैठे क्योंकि आपको वैसे ध्यान नहीं रहेगा। तो अब देखें इसका एग्जांपल नंबर एक का पहला जो सवाल है वो देखो, उसमें भी यही पूछा है y बराबर px, px बोल देगा, एफ एक्स बोल देगा, ठीक है, इससे आप घबराए नहीं, इस तरह से भी दे सकता है वो, वाई बराबर टी एक्स भी दे सकता है, वाई बराबर जेड एक्स भी दे सकता है, कुछ भी दे दे आपको, तो सिर्फ यहां ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष पे कितना काट रहेगा, ठीक है, क्यू एक्स। तो ये कोई सा भी सिंबल दे सकता है आपको, आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष पर रेखा कौन से पे कट रही है, यहां आना चाहिए, यहां एक्स है तो एक्स अक्ष का देखना, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर एक, चित्र आपको इस तरह से दिया हुआ है, चित्र देख सकते हो आप, ये ऐसे, इस तरह से इसको बना दिया, थोड़ा सा ऐसे है ये, ठीक है। अब बताओ रेखा एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई होता है, ये दे रखा हो तो ठीक है, नहीं दे रखा हो तो आप खुद बनाओगे इसको, ये एक्स डैश है और ये एक्स डैश है, बताओ कितने आ रहे हैं सुन्नकों की संख्या, सुन्नकों की संख्या कितनी आ जाएगी, एक्स अक्ष पे देखना है कितने बिंदुओं को काट रहा है, एक बिंदु, तो सुन्नकों की संख्या हो जाएगी आपके पास एक, क्लियर यहां तक, बताओ दिक्कत है तो कमेंट्स करके चले सर आगे, एक कुछ एक नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। अगला वाला देखो, दूसरा एग्जांपल, इसमें आपको इस तरह से दिखा रखा है ग्राफ और ऐसे क्रॉस कर रखा है, बताओ कितने आ रहे हैं शून्यकों की संख्या, एक दो, कितनी हो जाएगी, दो, ठीक है। अगला सवाल ये था दूसरा, और ये तीसरा देखो, उसमें ग्राफ ऐसे दे रखा है आपको, बताओ कमेंट्स करके तुरंत बता दो कितना आ रहा है, कि जीरो की संख्या कितनी आ रही है यहां पर, एक दो तीन, तीन जगह स्पर्श कर रहा है, देखो एक दो
और तीन, तीन जगह स्पर्श कर रहा है तो शून्यकों की संख्या आ गई आपकी तीन। ठीक है, अगला वाला देखो, ये आपको दे रखा है इस तरह से, एक्स अक्ष बताओ कितनी बार कट रहा है, एक जगह शून्यकों की संख्या एक। ठीक है यहां तक। इसके बाद देखो चौथा पांचवा जो सवाल है ये ऐसे स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से स्पर्श कर रहा है लेकिन स्पर्श तो कर रहा है ना एक जगह, तो एक बार स्पर्श कर रहा है एक शख्स को, तो इसके शून्यकों की संख्या होगी कितनी एक, शून्यकों की संख्या बराबर एक। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, एक चित्र दिया हुआ मिलेगा उसमें आपको ज्ञात करना है कि ये कितने इसके जीरो से होंगे, कितने इसके शून्य के होंगे। लास्ट सवाल है इसका, ये एग्जाम्पल है सब। इसमें देखो इसमें जीरोक्स का मान होगा एक दो तीन चार, चार शून्यक होंगे इसके अंदर। ठीक है, एकदम सरल तरीके से हमने इनके शून्यक याद कर लिए और निश्चित रूप से आपको समझ आया होगा, सबसे सरल एक्सरसाइज है ये। अब इसके अंदर आपको और थोड़ा सा एक और दिमाग लगाना है क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा वो घुमा देता है आपको। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको एग्जाम, ये तो किताब में दिया हुआ है इसलिए सब इसको सही करते हैं कि y बराबर px है तो हम यहां पर किसको देखते हैं, x को देखते हैं, x अक्ष को काटने वाले वाली रेखा, इनको हम देखते हैं जब ये दे रखा होता तब कि y बराबर px, लेकिन यही ऐसे देता x बराबर py। अब बताओ, अब आपको ध्यान रखें ये वाला तरीका काम में नहीं लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी आपकी, और सबसे ज्यादा गलती यही होती है क्योंकि ये तो आपको किसमें दिया हुआ मिलेगा, किताब में जो आप कर देते हो, लेकिन ये आपको बुक में भी नहीं दे रखा, न तो एक्सरसाइज में समझा रखा है और न उसमें दे रखा। अब आपको ध्यान रखो यहां किसकी देख रहे थे, x की, तो यहां पर किसकी देखेंगे, y अक्ष की। ठीक है, y अक्ष को काटने वाली रेखाओं की संख्या इसको देखेंगे आप। देखो चित्र बनाओ, पता है x अक्ष और ये y अक्ष, ये x डैश अक्ष और ये y डैश अक्ष, बना दिया यहां तक, ऐसे मैंने बना दिया। अब बताओ इसके अंदर, अब यहां देखो यदि आपने गलती कर दी तो x अक्ष पर काटे गए कितने हो रहे हैं, एक दो तीन, तीन आ जाएगा आपका उत्तर। लेकिन हाँ, यहां पर देखो x अक्ष नहीं काट रहा, x की जगह कौन सा अक्ष काटना है आपको, y वाला, तो y वाला सिर्फ कितनी बार काट रहा है, एक बार। तो इसके जो शून्यक होंगे जीरो, शून्यकों की संख्या होगी इसकी वो आपकी होगी कितनी, एक। बताओ यहां पर संख्या आ रही है एक जबकि आपके आंसर कितना आ जाएगा इसके अंदर, तीन। तो ये एक थोड़ा इसका मोस्ट पार्ट है कि y बराबर px है तब तो आप x अक्ष को देखेंगे, और y x बराबर py दे रखा है यहां पर तो आपको y अक्ष देखना है, तो y अक्ष पे कितने काट रहे हैं, एक, तो आपको शून्यकों की संख्या हो जाएगी एक। ठीक है, क्लियर यहां तक आपको। अब इसके बाद देखें आप एग्जाम जो एक्सरसाइज है आपकी 2.1, उसके आप सवालों के जवाब देते चले। फर्स्ट वाला मैं आपको बता रहा हूं यहां पर एक्सरसाइज 2.1, इस तरह से ग्राफ है ये। ठीक है, ये आपको पता है एक्स अक्ष, ऊपर वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। इसके अंदर आपको सवाल ये दे रखा है y बराबर px, तो अब बताओ इसमें y अक्ष को कितनी बार, x अक्ष को कितनी बार काट रही है ये रेखा, तो x अक्ष को यहां पर रेखा काट ही नहीं रही है, तो जब काट ही नहीं रही है तो इसके जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे, जीरो, शून्यकों की संख्या बराबर जीरो। भाई ये संख्या आपको काटनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान रखो y बराबर px के है शून्यकों की संख्या जीरो,
अगर ये संख्या होती है x बराबर पी वाई, तो यहां पर y एक्स पे कितने काट रहे हैं, एक जगह काट रहा है, तो इसके संदर्भ कितने हो जाएंगे, a, ठीक है। यहां पर इसके बाद देखो अब आगे अगला जो इसका दूसरा सवाल है वो इस तरह से है, जल्दी इनको तो करें, ये तो आपके लिए होमवर्क था वैसे भी। बताओ कितने आ रहे हैं शून्यकों की संख्या, इसमें तो x अक्ष देखना है पूरे में, एक। इसके अंदर देखो अगला सवाल, ये आपको इस तरह से, इसमें देखो शून्यकों की संख्या एक दो तीन, तीन हो जाएंगे। तो बाकी के तीनों सवाल आपको करने हैं, और ये मैं कराऊंगा भी नहीं, ऐसे नहीं सोचे कि भाई ये तीन सवाल छोड़ दिए, ये बिल्कुल इजी है, जिनको आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक हमारा 2.1 कंप्लीट हो गई है, इसमें से निश्चित रूप से आपको एक सवाल एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद आज की जो क्लास है, वैसे तो अब ये थोड़ी थोड़ी छोटी क्लास रहेगी, क्योंकि 2.1 एक दिन में एक एक्सरसाइज पढ़ाने का प्लान होता है। अब आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देता हूं, जो कक्षा 9 के लिए होगा, ठीक है। देखो 2.2 के लिए है, लेकिन ये आपको पढ़ना था कक्षा 9 में, ठीक है। देखो एक तो चर को जोड़ना और इनको घटाना सीखे आप, जैसे x में हम x को जोड़ते हैं, ठीक है। एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, कितना आ जाएगा 2x, लेकिन x को और x से हम गुणा करते हैं, जोड़ने पर तो एक और एक दो, लेकिन गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, एक घात ये, तो x लिखेंगे और एक, एक प्लस एक बराबर x की घात कितनी हो जाएंगी 2, ठीक है। इसी तरह देखो x प्लस 2x, 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x, अब इन्हीं को गुणा करो x गुणा 2x, तो यहां पर देखो 2 यहां पर कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे 1, 2 एकम 2, और x तो x की घात कितनी हो जाएगी 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये आप नोट करके लिखें, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, जबकि यहां पर जोड़ करते हैं तब एक्स का एक्स रहता है, देखो 2 और 1 3 संख्याएं जुड़ रही हैं बस, ठीक है, बाकी और कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसके अलावा और देखो 2x माइनस के x, 3x माइनस के 4x और 3x प्लस के 2x, नीचे 3x गुणा 2x, ठीक है। इनको किस तरह से हल करते हैं, एकदम इजी है, ठीक है, लेकिन जो पहली बार देखते हैं थोड़ा सा लगता है ये कठिन। 2x में से अब यहां पर गुणा नहीं है, ध्यान रखो ये चीज को, स्टार रूप में गुणा होती है तभी घाते आप जोड़ोगे। 2x में से 1x गया तो कितना बचेगा, ओनली x, और ये 3x माइनस के 4x, ये आपको पता होगा कि 3x में से 4x नहीं जाते, ठीक है। जब नहीं जाते हैं तो संख्या किस में आती है, माइनस में, किस में आएगी, माइनस में, और 3x में से 4 नहीं घटते, लेकिन 4 में से तो 3 घट जाएंगे, 4 में से 3 गया तो 1x, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, ध्यान रखेंगे आप, माइनस का, और 3x प्लस के 2x, 3 और 2 कितने हो गए 5x, और यहां पर इनको गुणा करो, गुणा है तो पहले संख्याओं को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और x में x, एक घात ये रही एक घात ये रही, x की घात कितनी हो गई 2, ये सब याद रखेंगे कि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। और किसी भी संख्या की घात 0, इसका मान कितना होता है 1, ये भी कक्षा 9 में है, जैसे 10 की घात 0, 100 की घात 0 प्लस 5 की घात 0, इनको आपको जोड़ने को बोले, तो ये आ जाएगा 10 की घात 0 का मान भी 1, 100 की घात 0 का मान भी 1, 5 की घात 0 का मान भी 1, तीनों को जोड़ो कितना हो गया 3, ठीक है।
इस तरह से हम इनको जोड़ सकते हैं और ये आपको अच्छे से आने चाहिए कि किस तरह से इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, ये थोड़े घातांक से नियम थे, ठीक है, लेकिन इनको आपको जो ये चर और अचर के रूप में किस तरह से इनको जोड़ा और घटाया जाता है। ठीक है, बाकी भाग में ऐसी कोई समस्या आती नहीं है, भाग वाले और देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, भाग में तो देखो सीधा, जैसे 2x² / x, इसमें आपको दो तो ऐसे कैसे रहेगा, और x की घात 2 घात है तो 1 घात क्या हो जाएगी, कम, मतलब घटती है घात, भाग में घटती है, 2 में से 1 गया तो 1। इसी तरह देखो इसको लिखें 4x^5/2x², इसको आप लिखेंगे 2 से तो 2 काट दो, 2 दुनी 4 और 5 में से 2 घटा दो तो x की घात कितनी हो गई, 3। तो भाग में घात क्या हो जाती है, घटती है, भाग में घाते घटती है, ये स्टार ध्यान रखेंगे आप। इसमें गुणा में क्या होती है, घाते जुड़ती है प्लस, लेकिन भाग में क्या होती है, माइनस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप भाई, ये जो चिन्ह है ना ऐसा वो सीधा हो जाएगा बिल्कुल, और इसके अंदर जो दो बिंदी है वो हट जाएंगे दोनों बिंदी। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको घातों को जोड़ सकते हो, भाग कर सकते हो और गुणा गुणा भी कर सकते हो। क्लियर यहां तक शायद। अब थोड़े से इनको संख्याओं के चिन्हों के बारे में और बता देता हूं इसमें कि कौन कौन से आपको चिन्ह होने चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको करने हैं वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, 2x + 4x, नंबर 2 2x * 4x, नंबर 3 3x - 5x, 4 5x³/x², और पांचवा सवाल लिखें आप 5x * 3x, छठा भी लिखें आप 4x * 2x, ये लिख दिया, 2 की जगह सिर्फ x लिखो। ठीक है, ये सवाल आप नोट कर लें, ये आपका होमवर्क है जो कि अगली क्लास में आपको बताना है। ठीक है, कि इनको किस तरह से हल करते हैं। क्लियर यहां तक। अब इसमें थोड़ा सा चिन्हों के बारे में और देख लेते हैं बस, फिर आज की हमारी लास्ट क्लास खत्म हो जाएगी। ये आपका होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करके, और इनके लिए आप क्या करेंगे, सॉल्व करके मुझे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप इनके आंसर डाल दिया करो। ठीक है, मैं वहां पर देख चेक कर लूंगा। अब देखो आगे कुछ चिन्हों की जानकारी थी हल्की सी, जिसको आपको नवी में देनी थी, लेकिन आप यहां देखो बस, एक होता है प्लस प्लस और आंसर में भी आएगा आपका प्लस, जैसे 3 + 3 सेम मत लिखो, चलो 2 लिख देते हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तब आपको दोनों को जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, +5। ठीक है, लेकिन प्लस वाले चिन्ह सिर्फ यहां आगे के काम में नहीं लेते हैं, दूसरा प्लस माइनस और इसका भी आंसर आएगा प्लस या फिर माइनस, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करता है जिसकी संख्या बड़ी हो, जिसकी संख्या बड़ी हो, जैसे देखो 10 - 5, 10 तो किसका है, प्लस का, 5 है माइनस का, लेकिन उत्तर में आपको देखना है कि माइनस या प्लस, लेकिन जिसकी संख्या बड़ी हो, तो संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की, तो उत्तर में भी क्या आएगा, प्लस, और 10 में से 5 घटा दो कितना आ जाएगा, 5, लेकिन यही संख्या हम ऐसे लिखते हैं 5 - 10, अर्थात प्लस माइनस बराबर ये सिचुएशन। ठीक है, तो अब बताओ 5 में से 10 अर्थात संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो उत्तर में भी क्या आएगा, माइनस, और घटाना है यहां पर कि 10 में से 5 घटा दो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, और चौथा जो लास्ट है माइनस माइनस और इसका आंसर आता है भी माइनस ही आता है। ठीक है, जैसे -3 - 2
उत्तर में आएगा बेटे माइनस के 5। ये जो नियम थे सब, ये जोड़ एवं घटाने के थे, के नियम, प्लस और माइनस के नियम, ठीक है। इन्हें आप एकदम बारीकी से समझ लें कि दोनों प्लस हैं तो उत्तर भी किस में आएगा, प्लस में। एक प्लस है एक माइनस है तो उत्तर माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि संख्या किसकी बड़ी है। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस में उत्तर, और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में उत्तर, ठीक है यहां तक। और जब दोनों माइनस के होते हैं तब आएगा आपका आंसर भी माइनस में, ठीक है। तो ये तो थे जोड़ और बाकी के नियम, लेकिन गुणा के नियम थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं अब थोड़ा गुणा के नियम। इसके अंदर अब गुणा वाले नियम और देखो, आप गुणा के नियम इसके अंदर देखेंगे आप किस तरह से, जैसे 3 × 4 दोनों के आगे कोई चिन्ह है तो किसका मानते हैं, प्लस का, ठीक है। तो प्लस के 3 और प्लस के 4, इसको हमको सादा गुणा पता है कितना आएगा, 4 × 3 = 12। लेकिन अगर हमने एक चिन्ह माइनस का लिया और एक लिया प्लस का, प्लस वाले को लगाते नहीं है, ध्यान रखेंगे आप, तो 4 × 3 = 12, लेकिन ये जो चिन्ह है ये क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। ऐसे कह सकते हो माइनस गुणा प्लस, उत्तर में क्या आएगा, माइनस, प्लस गुणा प्लस, उत्तर में भी क्या आएगा, प्लस, ठीक है। अब देखो ये दो दो का नियम है, अब यहां पर देखो प्लस गुणा माइनस अर्थात 3 × −4, तो इसका उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में, तो 4 × 3 = 12 माइनस में आ गया। दो दो का ध्यान रखेंगे आप, इसके अलावा माइनस गुणा माइनस ये उत्तर आएगा आपका प्लस में, जैसे माइनस के 3 × −4, 4 × 3 = 12, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आपके होते हैं गुणा के नियम। इससे पहले थे जोड़ या बाकी के नियम, ये नियमों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें जिससे कि आगे गलत होने की कोई संभावना नहीं रहे आपको, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करो जिससे कि सभी स्टूडेंटों को इनका फायदा मिल सके, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो आपकी एक्सरसाइज इसके अंदर पढ़नी है वो 2.1 पढ़ ली हमने और 2.2 पढ़नी है बस, ठीक है। 2.3 है ये आपकी हट चुकी है, जिसके अंदर भाग थे जो कठिन भी थी थोड़ी सी वो हटा दी गई है, ठीक है। तो अब आपको जो अगले है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ये आप अच्छे से इनको देखें और इनको लिख भी लिया करो साथ में, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।